men'swear designer in Pakistan—that no one can take away. I mean, I think that's go, going to go down in fashion history because usually log ortho se start hain. We had Amir Adnan, of course, hmm. but Amir Adnan was doing ties before, and then he went into men's wear. But I think what you were doing was a very modern man. It wasn't just the sherwani. You went into it was an the edgy gap, kuch was remember, I went to a shop. मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ सूट बनवाने हैं कुछ शर्टें बनवानी हैं हाँ। तो कुछ था ही नहीं वो मूसा जी okay. टाइप ही है मूसा जी तो तो भाई हाँ। तो सदर, हाँ सदर। हाँ। डिफेंस में तो कुछ था ही नहीं हाँ। बिल्कुल हाँ। तो हाँ। मुझे अभी याद है उनकी दुकान थी और वो एक औरत थी और वो कुछ मेंस के जैकेट शैकेट बनाती थी और तो मुझे सामने से कहती है की कैटलॉग पढ़ा है जी क्यों पढ़ा हुआ था तो मुझे कैटलॉग पढ़ा है जो तुम्हें सूट उसमें पसंद आया वो बना दूंगी

अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने माँ बाप से well, अगर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने नहीं लिए गाड़ी तो उन्होंने मुझे दी थी <laughs> वाली दुकान भी उन्होंने मुझे तोहफे में ही दी थी लेकिन मैंने उसे पांच लाख रुपए लिए थे टैलेंट भी तो था ना तो मीन मुझे पता है कि जब दीपक ने अपना घर बनाया तो पहले उसने अपने फादर के लिए एक सेक्शन बनाया मम्मी के लिए यानी कि मदर फादर के लिए पहले फिर अपने लिए पीछे यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है गिविंग बैक एंड आई थिंक यूर द स्टार ऑफ द फैमिली यू यूर लाइक वाइल्ड चाइल्ड रेन गेट दैट वॉज इन दिस जो लोग hmm. अपने माँ बाप की इज्जत न करें hmm. अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आ रहा था कि जो वो एक बूढ़े से अंकल हैं और वो बेटा जो है वो उनको निकाल रहा है ठीक हाँ, हाँ, है तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत मशहूर आदमी थे अपने जमाने में उनका नाम कोई ब्रिगेडियर था कि कर्नल बिल्ला ऐसे कोई नाम था उनका और बड़े पावरफुल होते थे तो मैं वो वीडियो देख रहा था मैं यही सोच था कि देखो पावरफुल होते थे एक ज़माने में और अब इनको देखो इन्हीं का बेटा उनको सूखे से बिल्कुल अस्सी नब्बे साल जायदाद के पीछे अच्छा। निकाल रहे होंगे और किसी हाँ, होता, होता है, है।, है। तो वी वो टॉर्ड नो मे बी मे बी द वैल्यूज़ वो डिफरेंट वी वो टॉर्ड टॉर्ट इन डिफरेंट वे आई थिंक अपन यू नो वी गो

Than me, and it'll always be like that. And my bhai Bilkul. Ah, So okay, and your sister obviously she's in Dubai. Hmm. I I was at the wedding. That was my first uh, Hindu wedding, by the way, that wow. I ever attended. Luxury, I remember that. Mm -hmm. that. Was the first one. Okay, so okay, so what else should we talk about? So we've done the New York. Okay, where's your first crush? And what is It's it? just. A little crush. <laughs> mm -hmm. Who was your first crush? I think everybody has crushes. Huh, was if it I, like someone? It can't in be school. in school. It has to be in school, right? Huh, school in me Well, shakta. I remember. I remember St. Pat's. Though I remember class huh. uh, nine. Huh. Okay, I remember. So you went to St. Pat's also. I was the head prefect, man. When <laughs> you were here, when you were Karachi, shift Haan, Karachi. Shift मुझे अभी भी याद है नया नया मैरिड होटल खुला था और उस जमाने में न वो दरवाजे होते थे oh. Oh. और <laughs> <laughs> वो तनहिया नया नया ड्रामा आया था मरी और नीना खान और राहत काजमी और ये सब किसी सूजी वांग से बाहर निकल रहे थे और हम वो हम सिर्फ बच्चे थे हम सिर्फ खड़े होते वो दरवाजा

ये मैं मैं आई थिंक यूथ को भी कहूँगा कि क्या कहते हैं बचपन इन्जॉय कर ही लो क्योंकि उसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती यू नो you know, जो करना चाहते हो इंसान करता है जो खाना पीना माँ बाप प्रोवाइड करते हैं ऐशो ऐयाश ओके okay, इंसान कहता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ बड़ा बड़ा नहीं हो रहा बेटा बुढे हो रहे हो <laughs>

एनी सोशल ओकेजन बट ही इज़ वेरी पिकी एंड चूजी ऑल्सो ये नहीं है कि हर जगह पहुँच जाना है वहाँ से बिझा के भी, भी इनको अगर बोरियत होती है तो वहाँ से भी निकल जाते हैं और खिसक जाते हैं खिसक जाते चुपके से निकल जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता कहता बिकॉज आप खुदाफिज नहीं कहते किसी को राइट right? खुदाफिज नहीं कहते नहीं कहते आप निकल जाते हैं और फिर आप सेकंड और थर्ड और फिर सुबह हो जाती है कभी कभी घर आते हैं मैं, मैं आ, मेरा घर आपके आपके घर पे ही सुबह होती है कभी, कभी। भाई, क्या करें मेरा, बड़ा, सिंपल रूल है अगर तुम लोग अगर घर पे आए हो दावत अगर इंजॉय करो मैं नहीं इंजॉय कर रहा कोई बात नहीं नौकर चाकर है ए ऑन है मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने के लिए हाँ, अगर मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ या किसी को साथ लेके गया हूँ तो बड़ी सिंपल बात है उनको पता है कि पंद्रह मिनट के बाद उनको गाड़ी छोड़ेगी और ड्राइवर वापस आ जाएगा और ड्राइवर हाँ। सुबह तक खड़ा रहेगा <laughs> right. तो मैं वैसे किसी को मतलब वैसे right. छोड़ के नहीं चला जाता ओके ड्राइवर सर्विस मेरी मौजूद होती है